हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 18:9-14 आयत तक। फिर उसने बाजों के हक में, जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मुहसल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं बाकी आदमियों की तरह, जो लुटेरे, जालिम, जनाकार हैं या उस मुहसल की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दय यकी देता हूं। मगर उस मुहसल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि आए खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। सामिन, आज की इंजील मुकद्दस में जो तमसील हमने सुनी, उसमें एक शख्स फरीसी है जो शरीयत का पाबंद है, और दूसरा मौसल जो समाज की नज़र में एक अच्छा आदमी नहीं है। दोनों ही खुदा के सामने हैकल में दुआ करने गए हैं, और फरीसी यूं दुआ करने लगा कि खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, सालम, जनाकार हैं या इस मौसल की मानद नहीं हूँ। इस शख्स की, इस फरीसी की अपनी तारीफों की, अपने आला करदार की, अपने रास्तबाज होने की एक लंबी लिस्ट है। बेशक वो रोज़ा रखता है और दया यकी भी देता है, मगर वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि खुदा खुद हमारी नस नस से वाकिफ है। वो हमारे हर फेल और इरादे को जानता है, जबकि इसके बरक्स मौसल, जो माशरे की नज़र में बुरा है, हैकल में दूर खड़े होकर इतना भी नहीं चाहता कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता है कि ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। सामिन, मौसल अपने अंदरून को सच्चे दिल और ईमानदारी के साथ खुदावंद के सामने खोलता है। उसमें कोई गुरूर नहीं, और ना ही वो किसी और से खुद का मुआजना या मुकाबला करता है, जबकि उसे अपनी गुनाहगार हालत का एहसास है। वो तौबा करता है और अपने लिए माफ़ी और रहम की इल्तजा करता है। और सामिन, ये रवैया, मौसल की ये दुआ खुदावन को पसंद आई, और इसीलिए यीशु ने कहा कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास पास ठहर कर अपने घर गया। समन, फरीसी का ये करदार हमें भी याद दिलाता है कि जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम सांस लेते हैं, हम भी इस फरीसी की तरह अपने आप को दूसरों से बेहतर, अपने आप को दूसरों से काबिल, अपने आप को दूसरों से नेक और आला समझ सकते हैं। और हमारे अंदर भी इस फरीसी जैसा गरूर और इस फरीसी जैसी सोच और रवैया हो सकता है, लेकिन ये रवैया, ये सोच, दूसरों से खुद को बालातर जानना, ये सब कुछ खुदावंद को नापसंद है। खुदावंद को पसंद नहीं है कि हम दूसरों के किरदार और फेल को जज करें, या दूसरों को हकीर और कमतर जानें, और अपनी साथ को उनसे बेहतर और बालातर।
बल्कि हमारा रवैया, हमारी सोच इस मौसल की मानिंद हो जिसमें ईमानदारी, सच्चाई और अपने अंदरून का ऐसा जायसा कि हम भी खुदावन के कदमों में ये दुआ करें कि वो हम पर रहम करे और हमें हमारी कोताहियों से, हमारी गलतियों से माफ़ करे। समीन, ये रोज़ों के पाकयाम हमें इसी चीज़ की दावा देते हैं कि हम खुद को मसीह यीशु के जीतने की ईद मनाने के लिए जब तैयार करते हैं तो सच्चे दिल से अपने ज़िंदगी का जायज़ा लें कि हमारे काम, हमारे सोच, हमारे रवैये क्या हैं, हम किस जानम को सफ़र कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी किस तरफ को है, हमारी ज़िंदगी की क्या तरजीहात हैं। आए आज सच्चे दिल से, बड़ी फरौतनी और इनकसारी से अपनी अपनी गलतियों का, अपनी कमज़ोरियों का जायज़ा लें, क्योंकि हर इंसान कमज़ोर है। कोई भी इंसान इस दुनिया में कामिल नहीं, परफेक्ट नहीं। हम सबको खुदावंद के रहम की ज़रूरत है, उसकी माफ़ी की ज़रूरत है। आए इस मौसल की तरह खुदावंद की तरफ बढ़ें, उसके कदमों में झुकें, उसके सामने अपने दिल को खोलें ताकि वो हम सब पर रहम करे और उसके रहम में रहते हुए हम दूसरों के लिए भी खुशी, तसल्ली, उम्मीद और राहत का सबब बन सकें। हम सबको खुदावंद ऐसा करने की तौफीक अता करें। आमीन।